वेलकम टू GS नॉलेज। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आइए, मैं आज के डेट में एक हॉट टॉपिक यानी किसान आंदोलन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और किसान आंदोलन ये दिल्ली के लिए क्यों इतनी बड़ी समस्या है और क्यों बार बार किसान आंदोलन करने पे आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि हर बार किसान को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हर बार किसान को रोड पे आना पड़ रहा। क्या हर एक समस्या का समाधान आंदोलन से ही होगा और आंदोलन करने पे ही सरकार हम किसानों की बात मानेगी? ये क्यों हो रहा है? क्या हम इसलिए कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जहाँ पे किसान करीब आज के डेट में 2023 में 61% लोग खेती बाड़ी से निर्भर करते हैं यानी खेती बाड़ी पे ही डिपेंड रहते हैं? क्या हम उस समस्या के बारे में बात करें तो क्या, क्यों किसान इतना परेशान हो रहा है जो दूसरे को खाना खिला रहा है, जो दूसरे को तरक्की दिला रहा है, क्यों वो आज के डेट में प्रॉब्लम में है? तो आइए इस समस्या के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको वो नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे दिल्ली में किसान दिल्ली जाके प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांग क्या है तो आइए हम उस पर बात करें। और ये देखिए, ये जो दृश्य देख रहे हैं तो देखिए किस तरह दिल्ली में पुलिस जो है किसान को रोकने के लिए ये प्रयास कर रही है ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। पुलिस हर एक उपाय कर रही है, यानी पुलिस नहीं कर रही, यानी सरकार हर एक उपाय करवा रही है पुलिस के द्वारा ताकि सरकार को बोझ ना पड़े, सरकार को मजबूर ना होना पड़े किसान की बात मानने के लिए। अब ये देखिए, ये बैरिकेड्स दिखाए जा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है। तो आखिर इतने सारे 2000 जवान की मींस कंपनी होती है, कंपनी मींस मिलिट्री फोर्स, 616 जवान की दिल्ली पुलिस और एक 12 DCP 20 ACP को क्यों बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पर लगाया जा रहा है? क्यों दोनों तरफ से रास्ते बंद है सिर्फ किसान को रोकने के लिए? आखिर किसान की मेन डिमांड क्या है? किसान क्या चाह रहा है? किसान यही चाह रहा है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। ये देखिए, ये कटीले तार है जो इन्हें रोकने के लिए लगाया जा रहा है। तो क्या इतने बड़े लोकतंत्र देश में हम इस अपने किसान भाइयों को इस तरह का कटीले तार प्रयोग करेंगे ताकि उनको दिल्ली आने ना दिया जाए, उनकी मांग का पूरा ना होने दिया जाए? तो दूसरी मांग क्या है? किसान ये भी चाहता है कि स्वामीनाथन कमीशन को लागू किया जाए। किसान ये भी चाहता है कि उन्हें पेंशन मिले और उनकी लोन को माफ़ कर दिया जाए। किसान ये भी चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में वृद्धि ना किया जाए। किसान ये भी चाहता है कि जो अगले बार किसान आंदोलन हुआ था 2020 में, उनके ऊपर जो केस चले थे उसे वापस किया जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि 2021 में लखीमपुर खेरी में जो वारदात हुआ था वहाँ पे उनको इंसाफ मिले। तो आखिर क्यों इन सब बात को मनवाने के लिए, मीन्स अपनी मांग को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसान इतना क्यों मजबूर हो रहा है और क्यों उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है? और ये देखिए कितने कटीले तारे, ये किसके लिए लगाया जा रहा है? भारतीय किसान को रोकने के लिए, जहाँ पे 61% आज के डेट में लोग खेतीबाड़ी से निर्भर करते हैं। और किसान क्या चाहते हैं? किसान ये चाहते हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। सरकार ये तर्क दे रही क्यों पंजाब और हरियाणा के ही किसान आ रहे, तो आपको हम ये बता दें, पंजाब हरियाणा के किसान की ये बहुत पुरानी डिमांड है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी मोदी जी दें। आज के डेट में मोदी जी हर एक चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दें? किसान तो यही चाह रहे हैं और सरकार कह रही कि नहीं, अभी हम उनकी डिमांड को
नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि और भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी भी समस्या को देखना है, उनके बारे में भी सोचना है। तो सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था किसान भाई को कि हम 5 साल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ फसलों को हम खरीदेंगे। इस पे किसान के नेता ने पार्टिसिपेट किए थे, पर कुछ देर बाद उसको पढ़ने के बाद किसान भाइयों ने उस सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हमें इस तरह के प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमें लीगल गारंटी हमेशा के लिए चाहिए, यानी आप इस पे लॉ लेके आइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। इस पे किसान आंदोलित कर रहे हैं और ये देखिए रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। तो किसान जब रोड को ब्लॉक कर रहे हैं तो सिर्फ किसान की प्रॉब्लम नहीं है, आम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, आम लोग जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, उनको भी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसे सरकार को जल्द से जल्द मीन्स सॉल्व करना